हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अल्फाबेट कोचिंग सेंटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 6.2। इससे पहले के वीडियो में हमने 6.1 को हमने बताया है, पूरे कंप्लीट क्वेश्चन कराए हैं और आपका 6.2 के जो भी आपके इंट्रोडक्शन हैं, जो भी आपके बेसिक पॉइंट हैं, वो सब हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको वह वीडियो लिंक के इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा वीडियो के इस साइड पर, तो यहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए 6.2 में हमारा पहला क्वेश्चन है कि यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी। क्या करना है, यहाँ पर एक फिगर बना है आपके बुक में दिया गया है पहला क्वेश्चन, और यहाँ पर यक्स का मान और वाई का मान पहले ज्ञात करना है, फिर उसके बाद हमें यह दिखाना है कि यह जो ए बी रेखा है सी डी के क्या है, समांतर है। तो चलिए हम पहले मान निकाल लेते हैं, फिर क्या करते हैं, शो करते हैं कि हमारा ए बी जो है सी डी के क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। अब देखिए हल लिखने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर यह जो कोण है, कोण 50 और कोण यक्स, यह आपका 180 अंश होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण यक्स अंश प्लस कोण 50 अंश, ठीक है, कोण यक्स अंश और 50 अंश, यह बराबर होगा आपका 180 अंश के। क्यों होगा, क्योंकि ये आपका रैखिक युग्म है। क्या है, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। ये आपका रैखिक युग्म हो गया। अब यहां से हम इस कोण का मान निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, यक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 अंश माइनस 50 अंश के, ठीक है। तो यहाँ पे यक्स बराबर आपका आ जाएगा 130 अंश के, यानी इस कोण का मान, यक्स का मान कितना है आपका, यह आपका आ गया 130 अंश के, यक्स का मान है यह। अब देखिए वाई का मान निकालना है, वाई का मान कैसे होगा, यहाँ पर आपका कोण वाई का मान होगा 130 अंश, कोण वाई, यानी यहाँ पर लिखते हैं वाई का मान जो होगा वो 130 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसके जो सम्मुख विपरीत जो कोण बना है ये कितना अंश है, 130 अंश है। जब ये 130 अंश हो गया तो ये आपका कितने अंश का होगा, 130 अंश का। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, कैसा है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ लिखेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां पर यक्स का मान और वाई का मान क्या आ गया, 130 अंश आ गया। अब देखिए यहां पर यह जो कोण यक्स है यह वाई के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण के नाते। तो यहां पर हम यह लिखेंगे कि जो यक्स होगा, यक्स अंश बराबर होगा वाई अंश के, ठीक है। तो यहां पर क्यों होगा, क्योंकि यह आपका क्या है, एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है। अब देखिए जब यह आपका एकांतर कोण हो गया तो जब तो यह आपका कभी भी ये जो रेखाएं होंगी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, कौन सी रेखाएं, ए बी और सी डी, यह अगर रेखाएं आपका बढ़ाते जाएं तो कहीं भी कटेगा नहीं। तो इस वजह से हम यह कह सकते हैं कि जो ए बी होगा वो क्या होगा, सी डी के समांतर होगा। किसके समांतर होगा, जो रेखा ए बी होगा वो सी डी के क्या होगा, समांतर होगा। यहाँ से हमने यक्स और वाई का मान निकाल दिए हैं, और क्या किए हमने, यहाँ से यक्स और वाई को बराबर कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ये आपके क्या हैं, एकांतर कोण हैं। तब यहाँ पर हमने आपका क्या हो गया, यहाँ पर हमने शो कर दिया, यहाँ क्या किए हैं, शो किए हैं, और यहाँ पर आपका यक्स और वाई का मान निकाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए यह मान है आपका,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत होती है तो इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, इसके आधार पर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में सेकंड क्वेश्चन लेकर के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।